गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम रिव्यू करने आप मेरा कान कहना क्यों नहीं मानते? मैं आपको मारूंगा। मेरा कहना नहीं मानते आप। सब्सक्राइब जब कहता हूँ आप करते ही नहीं हो। अच्छा, तो आज हम रिव्यू करेंगे इसका, जो हमारे फेस में अनवांटेड जो फेशियल हेयर होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे फेस में भी है अनवांटेड हेयर। ये इसको रिमूव करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये वाला। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, कारमिसी फेशियल लेज़र फॉर वुमेन। हम इसको फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे फोरहेड पे हेयर होते हैं या अपर लिप्स होते हैं, हम पार्लर में जाना पड़ता है एमरजेंसी हो तो फिर जल्दी जल्दी हम भागते हैं, और हम इसके साथ जो है घर पे ही कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फेशियल हेयर होते हैं उसको भी कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और फिर हम जो है मेकअप करेंगे तो उसका ग्लो भी अच्छा आएगा और वो लंबा समय तक जो हमारा मेकअप वो टिका रहेगा। क्योंकि जब हम ऐसे ही मेकअप करते हैं तो हमारा सारा मेकअप जो भी पाउडर क्रीम वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो हमारा जो है वो बालों पर ही रह जाता है, अंदर जाता ही नहीं है, और इसीलिए हमारा मेकअप जो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाता। और हमने ये मैंने ये मंगवाया, पहले भी मैं ये यूज़ करती थी और फिर हम मैंने ये रिव्यू के लिए मंगवाया हुआ है, और हम अपने हेयर जो है वो रिमूव भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे इसका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये पेनलेस है, और यहाँ पे इसके लिखा हुआ है हाउ टू यूज़, कि इसको कैसे यूज़ करना है, और मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ। पिंक कलर है और ये इसमें तीन आते हैं, पिंक तीन आते हैं। इसके साथ आप लंबा टाइम तक इसको चला सकते हो, ये कहीं नहीं जाएंगे। और ये है, ये इसका हैंडल है, और ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, आप देख सकते हो। चाकू ज्यादा दिखता है, ये कोई सीधा नहीं है, जैसे वो होता है ना सीधा, ये सीधा नहीं है, ये देख सकते हो आप। ये हमारी स्किन को कोई भी ये कट नहीं करेगा, कट नहीं लगाएगा, और ये प्लास्टिक का हैंडल बना हुआ है, और प्रॉपर इसका जो वो कैप बना हुआ है, आप इसको ऐसे कैप लगा के इसको रख सकते हो। और हम अब आपके साथ शेयर करेंगे मैं कैसे भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, जहाँ एलोवेरा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और मैं करूँगी एलोवेरा जेल यूज़, जो कि मैं अक्सर करती रहती हूँ, वो यूज करेंगे हम। इसके ये लगाने का ये फायदा है कि हमारे स्किन पे कोई भी पिंपल वगैरह इसके साथ वैसे भी नहीं होंगे आपको, फिर ये लगाने का ये फायदा है कि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल चुका है, बहुत ही आसानी से निकल चुका है अच्छे तरीके से। ये इसका कट लगने का कोई भी चांस नहीं होता, ये देख सकते हैं आप, हेयर कट नहीं लगता। आप छोटे छोटे सेक्शन पे इसको यूज करना, अब इसे एम्बुलेंस लेकर जाना पड़ेगा और अपने फिर से बाल लेकर आने पड़ेंगे, इसके मुंह पे जाके ब्रेन में जाके लेकर आने पड़ेंगे। बहुत ही मजे, टेंशन नहीं है कि हमारी स्किन पे कट लग जाएगा या कैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे
मैंने सारे पूरे फेस पे जो है रेजर जो कर दिया है, और सारे अनवांटेड जो हेयर हैं फोरहेड पे थे, मैंने चीक्स पे थे, और सारे मैंने निकाल लिए। अब हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे, और कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह है या एलोवेरा जेल है फिर हम से उससे उसको अप्लाई कर लेंगे और छोड़ देंगे। और इसको हम ऐसे यूज़ करके इसको थोड़ा सा कॉटन के साथ इसको साफ़ करके इसको ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, ये तीनों, ये इसको इस डब्बे में रख सकते हैं जिसमें मैं इसको आए थे। इसमें हाथ में रख लिया। ये था मेरा आज का वीडियो रेजर के ऊपर। आप यूज करना चाहो तो ये वीडियो देख के आप यूज कर सकते हो। आप 2 दिन बाद भी मेरा फेस देखना, कोई भी पिंपल वगैरह नहीं आएगा इसके साथ, डेफिनेटली नहीं आएगा आपको पिंपल। आप पहले मॉइस्चराइजर या क्रीम वगैरह को यूज कर ले, और बाद में फेस वॉश करके फिर क्रीम वगैरह या मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर ले, आपको पिंपल वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन टोन है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो बिना दिक्कत, बिना किसी डर के आप इसको यूज कर सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बाय।